जी आज जैसा पता है कि हमारा ब्लॉक कुंजर में आज ब्लॉक दिवस भी था, तो उसके बाद यहाँ पे आज हम लोगों ने जैसे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं आपको पता है, तो उसके तहत एक तिरंगा रैली की रही थी ATVs में। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने साल एक नई स्कीम और नया प्रोग्राम लॉन्च किया एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसमें जो हमारे मार्टर्स हैं उनके लिए हम ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वो आज हमने DFO स्पेशल डिवीजन तंगमर के साथ कोलैबोरेशन में GT रोड में प्लांटेशन भी की। तो ये सब बेसिकली एक्टिविटीज़ हो रहे हैं कि जो इन रन अप ऑफ इंडिपेंडेंस डे, उसके साथ ही साथ जैसा आपको पता है स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है 2 हफ्ते का, तो इसमें CEO साहब हमारी EOMC सारे काम पे लगे हुए हैं कि स्पेशली जो हमारा गुलमर्गा एरिया है जो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसको कैसे गार्बेज फ्री करें। तो ऑलरेडी जैसा आपको पता है इसमें भी आने वाले वीक्स में हम फेज़ 1 फेज़ 2 की सफाई फिर सफाई उसके साथ साथ तंगमर की सफाई ये सब काम करने वाले हैं। सर हम लोग आए बड़े नंबर्स में पार्टिसिपेट करें, ऑलरेडी जैसे आपने देखा होगा हम हर तहसील पे एक तिरंगा रैली कर रहे हैं, तो जैसे आज अगर मुझे मैं करेक्ट हूँ तो सिंहपुरा में तहसील हमारी तिरंगा रैली हुई थी, पटन में तिरंगा रैली हुई थी, ऐसे कर करके हर तहसीलदार हमारे जितने भी तहसील लेवल ऑफिसर्स हैं तिरंगा रैली कर रहे हैं सो दैट उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी आए। सर ये बताइए कि जी वो जो मुलगाम का जो रिसीविंग स्टेशन है उसका एक्चुअली इंस्पेक्शन हो चुका था, तो इंस्पेक्शन में कुछ खामियां पाई गई थी तो उसको करेक्शन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया था, उसके बाद 20 जुलाई को फिर से रीइंस्पेक्शन हुई है। रीइंस्पेक्शन के बाद ऐसा आपको पता है क्योंकि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होती है, इमीडिएटली आई थिंक बाई मिड ऑगस्ट उसका सेकेंड जो इंस्पेक्शन है उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आई एम वेरी होपफुल कि बाई मिड सेप्टेम्बर ये रिसीविंग स्टेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि मैं सारी कंप्लीशन होगी पर जैसे रिसीविंग स्टेशन चालू करने से पहले एक सर्टिफिकेशन आनी चाहिए, वो सर्टिफिकेशन अवेटेड है, जैसे ही वो आ जाएगी इमीडिएटली रिसीविंग स्टेशन का काम शुरू हो जाएगा। सर 21वीं सदी में भी काजीपुरा गाँव में बच्चे टिन के शेड में तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए काजीपुरा गांव में जो आपका इशू था वो एक्चुअली फॉरेस्ट की लैंड है, कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड में आपको पता है फॉरेस्ट लैंड में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो अब हम लोगों उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट लोकेशन जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड ना इन्वॉल्व हो वहाँ पे एक नया स्कूल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए जो स्ट्रीट लाइट्स थी पहले जो हमारी PDD ने लगाई थी, अब क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ में जो स्ट्रीट लाइट्स की सारी जो दारोमदार EOMC के ऊपर आ गया है, तो इसमें हम कोशिश करें क्योंकि कई सारी जो लाइट्स हैं सोडियम वेपर पुरानी लाइट्स हैं, तो हम लोग सिस्टमेटिक वे में कोशिश करें सारी सोडियम वेपर लाइट्स को LED लाइट्स की तरफ हम उसको चेंज करने की, तो जल्दी इसमें भी हम प्रोक्योर करके इसमें भी स्ट्रीट लाइट्स लगा देंगे। सर टंगमर्ग शेखपुरा रोड जो कि चर्चा में रहता है, काफ़ी दिक्कत होती है वहाँ पर पेशेंटों को चलने में, स्टूडेंट्स को चलने में, बहुत रोड की हालत ख़राब है, बहुत चर्चा में रहा है वो, बहुत न्यूज़ चैनल ने भी उसको कैरी किया, उसके बारे में आप सर कुछ बताएं? नहीं उसके बारे में मुझे पता है, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे विद इन द